अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना प्यारा सा फ़नी गिल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जी, हम जो अपना आईडी कार्ड CNIC बनाते हैं उसके क्या प्रोसेस हैं, उसकी फ़ीस क्या है, उसका डिलीवरी टाइम क्या है, हम जाते हैं नादरा के ऑफिस में तो कितना टाइम लगता है। तो अब जो है सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पहले तो मैंने जब पहली दफ़ा अपना आईडी कार्ड बनाया था तो मैं शहरी के टाइम गया था नादरा के ऑफिस में, जाके लाइन में लगा था, टोकन मिला था और कोई 5-6 घंटे की दलालत के बाद जो है मैं अपना सारा प्रोसेस करवा के आया था। तो अब रिसेंटली मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया था, तो मैंने अपना डुप्लीकेट आईडी कार्ड बनाना था। तो उसके सिलसिले में मुझे तो यही पता था कि पहले हमने जो है FIR जो है वो कटवानी होती है अपने मुतलका थाने से। तो उधर मैं गया तो उन्होंने कहा जी ये प्रोसेस ख़त्म हो गया है, अब आप डायरेक्ट नादरा के ऑफिस जाएंगे, उधर जाके आप जो है ना डुप्लीकेट फॉर्म लेंगे जिसमें एक बयान हल्फी होता है, उधर आपने साइन करने हैं सिंपली और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका जो है ना सारा प्रोसेस हो जाता है। अब क्या है, वन विंडो ऑपरेशन हो चुका है। वन विंडो ऑपरेशन में क्या है, आपने जाना है, आप अगर तो आपने अपना नया आईडी कार्ड बनाना है तो आपने अपना बे फॉर्म जो है वो लेके जाना है, तो आपका उधर ही बैठ के सारा प्रोसेस कर देंगे। अगर आपका गुम हो चुका है या आपने मॉडिफिकेशन करवानी है तो आपके पास आपके पुराने आईडी कार्ड की या तो फोटो कापी होनी चाहिए या आपको आपका आईडी कार्ड नंबर याद होना चाहिए। तो जैसे ही आप उनको अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे और जैसे ही आईडी कार्ड नंबर अपने डाटा में इनपुट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा जी आपकी ये डिटेल शो हो रही है, तो आपने डिटेल अपडेट करवानी है, मॉडिफाई करवानी है या अपना डुप्लीकेट बनवाना है तो वो चीज़ें बन जाएंगी। होता क्या है कि सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं आपका आईडी कार्ड, जैसे कि मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया है, तो गुम होने के बाद कहते हैं जी आपने अपना आईडी कार्ड नया बनवाना है, हम जी नया बनवाना है। तो वन विंडो ऑपरेशन है वो, आईडी कार्ड लेने के बाद आईडी कार्ड नंबर आपका उधर इनपुट करने के बाद आपका डाटा साहब उनके सामने शो हो जाएगा। शो होने के बाद वो आपसे कहेंगे जी आपने कौन सा आईडी कार्ड बनाना है, सिंपल बनाना है या स्मार्ट आईडी कार्ड बनाना है। तो सिंपल आईडी कार्ड जो है जिसमें चिप नहीं होती, उर्दू में जो होता है उसकी जो फ़ीस है वो अगर नॉर्मल हम बनवाते हैं तो, अगर तो न्यू बनवा रहा हूँ मैं, फ़ीस आप ये बताता जाऊँगा आप लोग नोट करते जाएँ, मैं आपको स्क्रीन पे शो भी करूँगा साथ साथ। अगर आप अपना न्यू आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, आपने पहले आईडी कार्ड नहीं बनवाया, तो अगर आप सिंपल आईडी कार्ड बनवा रहे हैं तो आप कहते हैं जी हमें नॉर्मल चाहिए, यानी कि 30 दिनों में 1 महीने में वो आपको नॉर्मल आईडी कार्ड देते हैं, तो आप कहते हैं हमें 30 दिनों में चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपकी फ़ीस कोई नहीं है। न्यू आईडी कार्ड बनवाने की, नॉर्मल आईडी कार्ड बनवाने की कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप आईडी कार्ड न्यू बनवा रहे हैं और आपको चाहिए अर्जेंट, और अर्जेंट कितने दिनों में आता है, 23 दिनों में अर्जेंट आईडी कार्ड आपको मिल जाता है और उसकी फ़ीस है 1150 रुपये। और उसके साथ ही अगर आप एग्जैक्टिव में बनाते हैं अपना आईडी कार्ड, न्यू आईडी कार्ड की बात कर रहा हूँ, अगर आप एग्जैक्टिव में बनाते हो तो उसकी फ़ीस है 2150 रुपये। और ये एग्जैक्टिव में आपको 13 दिनों या 7 दिनों में, कहीं जगह पे 7 दिन लिखा आता है, कहीं जगह पे 13 दिन लिखा आता है, तो इन दिनों में आपको मिल जाता है। ये हमने बात कर ली न्यू आईडी कार्ड की। अगर आपने आईडी कार्ड मॉडिफाई करवाना है, ठीक है, आपने आईडी कार्ड बनवाया उसमें कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी, नाम गलत लिखा गया, कोई तरह के 100 मामला तो हो गए, तो आपने वो करवाना है, तो उसके लिए क्या फीसें हैं। अगर तो आपने सिंपल आईडी कार्ड ही मॉडिफाई करवाना है और नॉर्मल दिनों में करवाना है तो उसकी 400 फीस होगी, अगर आपने अर्जेंट करवाना है वो 1150 होगी, और अगर आपने एग्जैक्टिव में करवाना है तो 2150 होगी। और अगर इसी तरह ही अगर आपका स्मार्ट आईडी कार्ड है या आपने स्मार्ट आईडी कार्ड बनवाना है तो उसकी मॉडिफिकेशन नॉर्मल की फ़ीस है वो 750 है, और अर्जेंट की 1500 है, और एग्जैक्टिव की 2500 है। ठीक है, ये हमने मॉडिफिकेशन की बात कर ली। और अगर अब हम बात करें हमारा आईडी कार्ड लॉस्ट हो गया है, डैमेज हो गया है, गुम गया, हमारे पास नहीं है, हमने डुप्लीकेट बनवाना है, तो नॉर्मल डुप्लीकेट की जो फ़ीस है, जो सिंपल आईडी कार्ड है उसकी फ़ीस है जी 400 रुपया, और अगर हम सिंपल आईडी कार्ड अगर हम बनवाते हैं जी अर्जेंट में तो उसकी फ़ीस 1150 है, और अगर एग्जैक्टिव में बनवाते हैं तो उसकी फ़ीस 2150 है। और इसी तरह अगर हम अपना स्मार्ट आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, गुम हो गया, तो हम कहते हैं जी अब हम अपने स्मार्ट आईडी कार्ड की तरफ जाएंगे, तो उसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो 750 होगी, और अगर उसको अर्जेंट हम मंगवाना चाहेंगे तो 1500 होगी, अगर एग्जैक्टिव में हम मंगवाएं उसको तो फिर हमारी 2500 होगी।
इस तरह ही जो रिन्यू करवाते हैं आईडी कार्ड एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो स्मार्ट की जो है वो 750 है, नॉर्मल की अर्जेंट की उसकी होगी 1500, और एग्जैक्टिव में अगर बनवाते हैं तो वो जी होगी उसकी 2500। और इस तरह अगर सिंपल आईडी कार्ड हमने अपना रिन्यू करवाना है तो उसके लिए हमारी नॉर्मल फ़ीस जो एक महीने में आएगा उसकी 400 होगी, और अर्जेंट में 1150 और एग्जैक्टिव में हमारी 2150 रुपये फ़ीस आ जाएगी। और इसी तरह अगर बात की जाए कि अगर किसी बंदे की डेथ हो चुकी है, ठीक है, उसने अपना आईडी कार्ड कैंसिल करवाना है, तो कैंसिल करवाने की सिर्फ 50 रुपये फ़ीस है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद और बहुत से अगर हमारे पास जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बिरौने मुल्क बैठे हुए हैं और उनकी उसी दौरान आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है, वो रीन्यू करवाना चाहते हैं या मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन की सहूलत उनके लिए मौजूद है, जिसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करवाते हैं या नया बनवाते हैं या रीन्यू करवाते हैं या स्मार्ट या कोई भी आपका आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट फ़ीस सेम है। अगर आप आईडी कार्ड अपना बाहर बैठ के पाकिस्तान से रजिस्टर करवाते हैं, न्यू बनवाते हैं या मॉडिफाई करवाते हैं या डुप्लीकेट करवाते हैं या रीन्यू करवाते हैं, तो उसकी फ़ीस नॉर्मल की वो होगी, वो डॉलर्स में होगी, 36 USD डॉलर्स होंगे, जो कि उस टाइम जितना भी रेट चल रहा होगा एक्सचेंज रेट उसके साथ वो वेरी करेंगे। और अगर आप बाहर बैठ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं वो अर्जेंट बनाना चाहते हैं अपना आईडी कार्ड, तो उसके लिए उनकी फ़ीस है 54 USD डॉलर्स होंगे, जो कि मैं फिर बता रहा हूँ कि वो टाइम के हिसाब से वेरी करेंगे, कि अब हमारा डॉलर 205 पे जा रहा है, तो अगर वो अब कोई बंदा बनाता है तो 205 के हिसाब से चार्ज होगा, अगर वो थोड़ी देर बाद बनाता है जितनी भी डॉलर की वैल्यू होगी उसके हिसाब से, और अगर एग्जैक्टिव में वो बनाना चाह रहा है तो फिर उसकी 72 USD डॉलर उसकी वैल्यू होगी, उसकी फ़ीस होगी, वो पे करेगा। और उसका तरीका क्या कार क्या होगा कि वो अपना एक उसके पास अपना स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसमें वीज़ा कार्ड आ जाते हैं, मास्टर कार्ड आ जाते हैं, तो उधर से उसकी फ़ी रिडक्शन हो जाएगी। ये तो हमने बात की जी ओवरसीज़ के लिए जो नॉर्मल आईडी कार्ड है उनकी, और अगर हम स्मार्ट आईडी कार्ड की बात करें, ओवरसीज़ पाकिस्तान जितने भी हैं वो स्मार्ट आईडी कार्ड बनवाएं, तो उनके लिए जो फिर बता दूँ, अगर स्मार्ट आईडी कार्ड नया बनाना है, डुप्लीकेट बनवाना है, रीन्यू करवाना है या मॉडिफिकेशन करवानी है, तो इन सब की फ़ीस सेम है। अगर आप नॉर्मल डेज में बना रहे हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी वो 39 डॉलर्स होगी, ठीक है, यानी कि स्मार्ट और जो सिंपल आईडी कार्ड है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 डॉलर का आ रहा है, तो 39 डॉलर स्मार्ट के लिए होगी नॉर्मल डेज में, और अगर आप अर्जेंट बनाना चाहते हैं तो 57 डॉलर होंगी, जो कि सिंपल आईडी कार्ड के लिए 54 डॉलर थी, तो 3 डॉलर का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह अगर आप एग्जैक्टिव में बनाना चाह रहे हैं तो आपकी 75 डॉलर जो USD में होगी वो आपकी फ़ीस होगी। उसके बाद उन्होंने कुछ कैटागरीज दे दी हैं जोन ए और जोन बी में, ये जोन ए की मैंने बता दी हैं, जो कंट्री जोन ए में आते हैं तो ये उनकी फ़ीस थी। इसी तरह अगर जोन बी में बात कर लें तो उधर की जो वैल्यूज़ हैं वो फीसिस हैं वो कम हैं। अगर आप आईडी कार्ड बनवाते हैं नया, मॉडिफाई करवाते हैं, रीन्यू करवाते हैं, सिंपल की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपके 17 डॉलर लगेंगे, 17 USD डॉलर लगेंगे नॉर्मल डेज के लिए, अर्जेंट के लिए आपके लगेंगे 27 डॉलर्स और एग्जैक्टिव के लिए लगेंगे आपके 37 डॉलर्स। इट्स मीन के हमारे पास जो जोन बी है उधर के जो कंट्रीज़ हैं या उधर जितने भी रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उनके लिए फीसिस कम है। और अगर आपने स्मार्ट आपका आईडी कार्ड है नया बनवाना है, मॉडिफाई करवाना है, रीन्यू करवाना है या डुप्लीकेट करवाना है, तो उसके लिए आपकी नॉर्मल डेज की जो फ़ीस होगी वो 20 USD डॉलर्स होगी, और अर्जेंट बेस पे आपकी 30 USD डॉलर्स होगी, और एग्जैक्टिव के लिए आपकी 40 USD डॉलर्स होगी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। अगर आपका आईडी कार्ड लॉस्ट हो गया, फिर बता रहा हूँ आपको, पुलिस स्टेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपने किसी तरह की कोई रिपोर्ट, कोई FIR नहीं कटवानी। आपने जाके जब आप ना वन विंडो ऑपरेशन पे जाके आपने अपनी तस्वीर दे दी, आपके फिंगरप्रिंट हो गए, उसके बाद वो बोलेगा जी हमारे मैनेजर से आप जाके बयान हल्फी ले लें, जिस पे आपने उस एक प्री डिफाइंड उसमें फॉर्मेट होगा जिसमें उन्होंने लिखा होगा जी मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया है, अगर मुझे पुराना मिलता है तो मैं एक जमा करवाने का मजाज हूँ। नीचे आपने अंगूठा लगाना और साइन कर देने हैं। तो वो सिंपल सा है, और ये मैं गया था, मैं भी बस पता करने गया था, तो प्रोसेस देख के मैंने भी 10-1 मिनट मेरे टोटल लगे थे, और मैंने अपनी आईडी कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो दे दी थी।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी मददगार साबित रही होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो बाज़ का तो चले जाते हैं बहुत जल्दी, अब तो वैसे भी नोएडा 24/7 ऑपरेट कर रहा है, दिन जाएं रात जाएं तो वो काम जब मर्जी जाएं आपका हो जाता है। बाकी छोटे शहर हैं जो जिनमें अभी भी डे के टाइमिंग हैं, तो उनके लिए भी अब वन विंडो ऑपरेशन है, कम अज़ कम 7-8 विंडोज़ हैं जहाँ हर एक लोग को वो कर रहे हैं। तो आप चले जाएं उधर, आपका जो है जितनी भी कोई किसी किस्म का मसला परेशानी है वो उधर सॉल्व हो जाएगा। और अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, तो अल्लाह करे मज़ीद इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, तो आज की वीडियो को इख्तिताम करते हैं, इधर ख़त्म करते हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इन घर बंद चेक करा दा, मैं सेंड कर दा रिकॉर्डिंग सुनिए।